हर इंसान का कार खरीदने का सपना होता है। जैसा सबका होता है वैसे लंबू टिंगू का भी था। उनको भी कार खरीदनी थी और कार के लिए दोनों काफी मेहनत भी कर रहे थे। तरह तरह के बिजनेस कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। जब एक नई कार खरीदने जितने पैसे उनके पास बन गए तब टिंगू लंबू से बोला, चल भाई लंबू, पैसे तो बन गए हमारे, चल अब शोरूम चलते हैं कार खरीदने। तू टैक्सी लेकर आ, मैं सूटकेस की चैन खींचता हूँ। बाप रे बाप, बहुत पैसे बन गए हैं सूटकेस में। टैक्सी क्यों चाहिए, पैदल चलते हैं। वैसे भी कार आने के बाद पैदल चलने का मौका ही कहाँ मिलेगा हमें। और ये पैसों से भरा सूटकेस, बहुत वजन है इसका, इसका क्या करें। लंबू के होते हुए टिंगू चिंता करे, अरे लाओ मैं उठाता हूँ ये सूटकेस। वैसे भी मेरा ये 250 किलो का शरीर कब काम आएगा। ऐसा कहकर लंबू ने पैसों से भरा सूटकेस उठाकर अपने सिर पर रखा और दोनों कार खरीदने के लिए सड़क से चलते चलते शोरूम की तरफ निकल पड़े। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लंबू ये गाना कार में बैठकर गाना, अभी क्यों गा रहे हो। कैसी बात करता है टिंगू, हमारे पास अभी कार नहीं है लेकिन हमारा सफर तो जारी है। और चलते चलते हमारे साथ कब क्या हो जाए कोई बता सकता है भला। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही लंबू, कब क्या होगा कोई नहीं जानता। सुबह मैं टॉयलेट में था और नल का पानी गायब। अब अगर मुझे पता होता कि पानी जाने वाला है तो मैं टॉयलेट में जाता ही नहीं। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था, ऐसी है जिंदगी, अब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता, इसलिए बस चलते रहना, ज्यादा सोचना नहीं। हाँ इसीलिए लंबू कहता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे किसने जाना। ऐसे दोनों नाचते गाते चलते चलते रास्ता काट रहे थे, तभी हवा का तेज झोंका आया और लंबू के सिर पर जो पैसों का सूटकेस था उसका ढक्कन खुल गया और पैसे हवा में उड़ने लगे। अरे बाप रे, पैसों की बारिश, देखो टिंगू पैसों की बारिश हो रही है। अरे हाँ लंबू, सच में पैसों की बारिश हो रही है। और टिंगू पैसों के पीछे भागने लगा और एक एक नोट पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवा तेज थी इसलिए टिंगू पैसे पकड़ नहीं पा रहा था। टिंगू जोर से चिल्लाया, लंबू पैसे पकड़ने में मेरी मदद करो, इन पैसों से हम फरारी खरीद लेंगे। अरे टिंगू मैं पैसे कैसे उठाऊं, मेरे सिर पर भी तो पैसों का बैग है। और तभी टिंगू की नजर लंबू के सिर पर रखी हुई सूटकेस पर पड़ी और टिंगू ने अपना सिर पीट लिया। अरे लंबू हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। अरे लंबू मैं सूटकेस की चैन खींचना भूल गया था, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। लंबे चौड़े टावर जैसे हो, सूटकेस का ढक्कन खुल गया और हमारे पैसे उड़ गए। क्यों। हाँ लंबू, टिंगू ने सूटकेस में जो पैसे बचे थे वो पैसे गिनकर देखे तो वो आधे ही बचे थे। अरे ये तो आधे ही पैसे हैं, कार खरीदने के लिए तो पूरे पैसे चाहिए, अब हम क्या करें। डोंट वरी लंबू, सेकंड हैंड ही खरीद लेंगे, लेकिन अब कार लेकर ही जाएंगे। और फिर लंबू टिंगू कार खरीदने के लिए एक सेकंड हैंड कार गैरेज में गए। और जी मेरा नाम है सुखविंदर, कार बेचता हूँ वंडर वंडर, बोलो जी क्या चाहिए। और जी कार की दुकान में सरकार खरीदने थोड़ी ना आएंगे, चलो हमें बढ़िया सी कार दिखाओ जो हमारे बजट में हो। और जी हमारी कोई कार बजट से बाहर जाती नहीं, ऐसी कार दिखाऊंगा कि सरकार टैक्स लेना भूल जाएगी। फिर लंबू टिंगू को एक कार दिखाई गई जो दोनों को काफी पसंद आ गई। मैं कार चला कर देखूं। जी बिल्कुल चलाओ, सरकार थोड़ी है जो चलाने नहीं दूंगा। टिंगू कार में बैठ गया, उसने कार शुरू की और टिंगू कार लेकर गैरेज से बाहर निकल पड़ा। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिर टिंगू वापस कार लेकर गैरेज में आया। ओए लंबू
ये कार तो एकदम बढ़िया है, खरीद लेते हैं। रुको, मुझे भी चला कर देखने दो। जी बिल्कुल चलाओ। और फिर लंबू कार में बैठने लगा, लेकिन उसकी हाइट की वजह से वो कार में घुस ही नहीं पा रहा था। अरे यार, ये कार तो मेरे लायक नहीं है, मैं तो इसमें बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। जी मेरा नाम है सुखविंदर, काम करता हूँ वंडर वंडर। एक काम करता हूँ, इस कार की छत ही काट देता हूँ, फिर आप आसानी से फिट हो जाओगे। फिर सुखविंदर ने कार की छत काट दी और कार बन गई ओपन कार। फिर लंबू कार में बैठा और उसने कार गैरेज से बाहर भगाई। ओहो, अरे क्या कार है, मजा आ गया रे भाई। फिर लंबू कार लेकर गैरेज में आया और आते ही चिल्लाया, ये तो सच में वंडर कार है सुखविंदर, ये गड्डी हमें चाहिए भाई। अरे भाई गड्डी दो और गड्डी ले जा। मतलब नोटो की गड्डी जी, नोटो की गड्डी। अपना कमरा साफ सुथरा और अच्छे से रखना हर किसी के बस की बात नहीं, और अगर हम बच्चों के कमरे की बात करें तो फिर तो वो बिखरा हुआ ही रहता है, अस्त व्यस्त हमेशा मिलेगा आपको। और फिर उस कमरे को फिर से अच्छा बनाने के लिए मम्मी लोगों की भाग दौड़ चलती रहती है। कितनी बार कहा है गोलू अपनी चीजें यहाँ वहाँ मत डाल दिया करो। मम्मी गोलू का अस्त व्यस्त कमरा संभाल रही थी कि गोलू की बाहर से आवाज आई, मम्मी मेरे कैप नहीं मिल रही, कहाँ रखी है, जल्दी बताओ, मुझे खेलने जाना है। गोलू की मम्मी गुस्से में बाहर आती हैं। एक तो कमरा ठीक करो, ऊपर से तुम्हारी चीजें ढूंढ कर दो, ये लो और ज्यादा देर तक नहीं खेलना है। लेकिन मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही गोलू कैप लेकर भाग गया था और गोलू की मम्मी फिर से उसका कमरा ठीक करने में लग गई। ऐसा है गोलू, जिसे जरूरत के वक्त कोई चीज झट से नहीं मिलती, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारी पिंकी। हाँ हाँ, हमारी वंडर गर्ल पिंकी, उसका कमरा एकदम साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे से रहता है, जरूरत की चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक रखी हुई हैं। अरे वाह पिंकी, तुमने तो कपबोर्ड भी बहुत अच्छे से रख लिया। मम्मी इसे मुझे ही चीजों में ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए मैंने वक्त निकाल कर इसे भी ठीक कर दिया। मेरी लाडली बेटी। पिंकी कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखती थी और इस बात का उसे फायदा मिलता था। और दूसरी ओर गोलू, जिसे हर चीज के लिए मम्मी को आवाज लगानी पड़ती थी। एक दिन ऐसे ही गोलू अपनी मम्मी के साथ पिंकी के घर आया था और गोलू की मम्मी ने पिंकी का कमरा देखा। उन्हें पहले लगा था कि पिंकी तो गोलू की ही दोस्त है, उसी के जैसी आदतें होंगी उसकी। लेकिन गोलू की मम्मी पिंकी का कमरा देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, कितना अच्छा साफ और शांत कमरा है तुम्हारा पिंकी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड किया है तुमने। थैंक यू आंटी जी। किताबें, खेलने की चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं। वाह, मैं तो तुम्हारा कमरा देखकर दंग रह गई हूँ। और हाँ गोलू की मम्मी, ये कमरा अच्छा साफ पिंकी खुद करती है, कभी भी मेरी मदद नहीं लेती है। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है पिंकी, तुम कैसे ये सब कर लेती हो, ये जरा हमारे गोलू को भी बताओ। हमेशा मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, ऐसा पूछता रहता है ये। मम्मी आप भी ना कभी कभी मैं चीजें रखकर भूल जाता हूँ। कभी कभी, अच्छा ठीक है। हंसी का ठहाका लगता है। पिंकी की मम्मी और गोलू की मम्मी अपनी बातों में लग जाती हैं। पिंकी गोलू ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं। ग्राउंड में दोनों की इसी डिसिप्लिन के बारे में बात चलती है, लेकिन गोलू जो है वो हमेशा की तरह पिंकी को वंडर गर्ल होने का है ये एडवांटेज मानकर चलता है। देखा, आज तुम्हारी मम्मी ने मेरी भी तारीफ की। हाँ सच में तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है पिंकी, तुम्हारी तारीफ तो होनी ही चाहिए। थैंक यू थैंक यू। लेकिन तुम वंडर गर्ल हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छे से रखना आसान है,
तुम अपनी शक्तियों से फटाफट कमरे को ठीक कर सकती हो। मेरे पास कहाँ है शक्तियाँ इतनी? गोलू के चेहरे पर मायूसी छा गई। पिंकी को गोलू का ऐसा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा, तो पिंकी को एक आइडिया आया। उसने गोलू को कहा, गोलू ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे सकती हूँ जिससे तुम अपना कमरा अच्छे से रख पाओगे। पिंकी ने शक्ति के बारे में बात कही तो गोलू एकदम से एक्साइटेड हो गया और पिंकी से पूछने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन एक शर्त है, चिट्ठी में जो भी मंत्र लिखा है उसे तुम्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, तुम मंत्र दे दो, उसे मैं जरूर फॉलो करूंगा। पिंकी गोलू को चिट्ठी पर मंत्र लिखकर देती है। गोलू खुश हो जाता है। उसके बाद पिंकी और गोलू अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोलू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी कल से मेरा कमरा भी पिंकी के कमरे की तरह ही साफ और अच्छा होगा। गोलू की ये बात सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। उसे लगता है कि पिंकी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उसी के कारण गोलू ने अपना कमरा अच्छे से रखने की बात कही है। गोलू एक्साइटेड होकर अपने कमरे में जाता है और चिट्ठी को खोलता है तो देखता है कि उसमें कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ है। हैं? इसमें तो पिंकी ने कोई मंत्र नहीं लिखा है, बस कुछ सूचनाएं नजर आ रही हैं। गोलू एक एक करके वो सूचनाएं पढ़ने लगता है। पढ़ाई करने के बाद किताबें वापिस उसी जगह रखनी है। दूसरा कमरा थोड़ा गंदा नजर आए तो झाड़ू लगाना है। तीसरा छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल के बाद ड्रॉअर में रखनी है। और ये चौथा, कोई भी चीज यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। गोलू ने सब सूचनाएं अच्छे से पढ़ी और गोलू सोचने लगा, मैंने पिंकी को प्रॉमिस किया है मैं ये सब फॉलो करूंगा। गोलू वो सूचने वाला कागज अपने कमरे में ऐसी जगह लगाता है जहाँ से उसे आते जाते वो सूचनाएं दिखें। इस वजह से जब भी गोलू कमरे में आता है तो वो चीजें यहाँ वहाँ दिखती हैं तो उसे अच्छे से रख देता है। धीरे धीरे गोलू का कमरा भी सुंदर और समेटा हुआ दिखने लगा। अब वो बिल्कुल अच्छे से अपने कमरे को रखता था। इस वजह से गोलू की मम्मी भी गोलू से बहुत खुश होती थी। क्या बात है गोलू बेटा, तुम्हारा कमरा तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। थैंक यू मम्मी। कुछ दिनों के बाद जब गोलू पिंकी से मिला तो उसने पिंकी से कहा, पिंकी तुमने कागज में जो मुझे लिख कर दिया था वो मैंने फॉलो किया है। और तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने भी मेरी तारीफ भी की है। वाह, बहुत बढ़िया गोलू, गुड जॉब। लेकिन गोलू के मन में एक सवाल था जो उसने पिंकी से पूछा, पिंकी तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम मुझे सुपर पावर दे रही हो? नहीं नहीं गोलू, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। मैंने तुम्हें अनुशासन की पावर दी थी जिससे तुम भी डिसिप्लिन में रह सको। गोलू के चेहरे पर फिर से एक सवाल दिखाई देता है तो पिंकी गोलू को समझाती है, इसी अनुशासन की पावर से मैं अपने सारे काम वक्त पर कर पाती हूँ और इसी की वजह से मैं अपने कमरे को अच्छी तरह से रख पाती हूँ जिससे मेरा कमरा अच्छा दिखता है। मतलब वही अनुशासन का पावर अब मुझ में भी आ गया है? हाँ गोलू बिल्कुल, अब देखना तुम्हारे काम भी तुम हमेशा वक्त पर कर पाओगे।
थैंक यू पिंकी, तुम्हारी वजह से मैं अनुशासन के पावर को जान पाया हूँ। गोलू इसी अनुशासन के पावर से अपने सारे काम करता है, चीजों को सही जगह पर रखता है और अपने कमरे को सुंदर और समेटा हुआ बना के रखता है।